मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के पातालेश्वर स्थित भगवान शिव के मंदिर में माथा टेका। काशी बनारस से आए आचार्य विद्वानों के द्वारा विधि विधान से कमलनाथ और नकुलनाथ के हाथों रुद्राभिषेक कराया गया। मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को 18 साल अंधेरे में धकेला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनजातीय दिवस के आयोजन में एक की मौत और 15 लोगों के लापता होने के सवाल पर कहा कि यह आयोजन ठेकेदारों का था, पुलिस प्रशासन के ठेकेदारों ने यह आयोजन किया था, इसमें जनता को गुमराह किया गया था। गौरतलब है कि जनजातीय दिवस के आयोजन के दौरान एक व्यक्ति की मौत और 15 लोग लापता हुए हैं। कमलनाथ ने जन्मदिन से एक दिन पूर्व आज सुबह स्थानीय पातालेश्वर मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर जिले की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की। ये ठेकेदारों का था, पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक ठेकेदारों ने ये आयोजित किया था। इसमें जनता को गुमराह करना, जनता का ध्यान मुड़ना और कलाकारी, यही इसका संदेश था। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, किसान दुखी है, नौजवान बेरोजगार है, छोटा व्यापारी तरसते हैं, ये आज प्रदेश का हाल है। 18 साल बाद 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को अंधेरे की तरफ घसीटा है। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।